नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष ब्रविसन और आप देखने जा रहे हैं सीएससी द्वारा जो ई स्टोर की सर्विस आई है उसका ऐप कैसे डेवलप हो रहा है और आप सब तक ये ऐप पहुंच रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस समय सीएससी ई स्टोर की सर्विस कैसे काम कर रही है और अब तक कैसे ये ऐप पहुंच रही है। जो आपको तीन स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहे हैं, एक है बिजनेस ऐप, दूसरा है ऑर्डर ऐप, तीसरी आप ये लिंक देख रहे हैं, यहाँ से आप इन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप की लिंक जो है आपको आपके मोबाइल फोन पर शेयर की गई होगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा उसके बाद कुछ दिन बाद ये ऐप की जो लिंक है आप तक पहुँचाई गई होगी। दोस्तों, अभी आप बहुत सारे लोगों में ये मैसेज आया होगा इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया था। तो दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस कुछ इस तरीके से है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर अपना लॉगिन बनाएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ओटीपी जो भी आपके मोबाइल फोन में रिसीव हुई है। उसके बाद दोस्तों, हम ये आपके सामने करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि सीएससी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। जी हाँ, हमने ये फिलअप कर लिया है। जी हाँ, इसके बाद स्टोर डिटेल डालनी है, अपने स्टोर की जो जहाँ आप स्टोर चला रहे हैं वहाँ की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। जी हाँ, हमने स्टोर डिटेल भी डाली, अपने स्टोर की सही सही डिटेल्स से यहाँ पर फिल कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने फिल कर ली है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ जो आपको नीचे मैप दिखाई दे रहा है, कभी अगर आपका पेज यहाँ पर 100% है तो आपको ये शो नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर थ्री डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं तो उसमें थ्री डॉट में जा करके आप पेज को थोड़ा सा कम कर लीजिए। कम करने के बाद अपना पेज सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद दोस्तों ये जो आप अपना मैप है, मैप अपनी एरिया पर ले जा करके क्लिक कीजिए और फिर इसे नेक्स्ट कीजिए। जी हाँ, हमने ये किया। उसके बाद हमें अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालनी है, जो बैंक की डिटेल्स है इसमें उसे फिल करना है, क्योंकि ये पेज थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से हमें इसे थोड़ा छोटा बड़ा करना पड़ता है, जिस वजह से हमें इस पेज को पहचानने में आसानी रहती है। यहाँ पर अपना हम बैंक अकाउंट डालेंगे। बैंक अकाउंट डालने के बाद फिर कंफर्म करेंगे अपना बैंक अकाउंट। हम अपना जब तक बैंक अकाउंट डाल लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ यहाँ पर कंफर्म कीजिए अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट एकदम क्लियरली पड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डालना है। जो भी है, अपने अपने ब्रांच का आईएफएससी कोड डाल लीजिए। आईएफएससी कोड जिस भी बैंक का है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आसानी से आईएफएससी कोड मिल जाते हैं। वैसे आपके बैंक पासबुक पर लिखा ही होगा, चेकबुक पर लिखा ही होगा। यहाँ पर हम अपना आईएफएससी कोड डाल रहे हैं। ये वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर सर्च करते हैं और इस ये देखिए आईएफएससी कोड डालने के बाद मैंने सबमिट किया। नेट भी यहाँ पर हमारा थोड़ा स्लो है, इस वजह से ये जो भी प्रोग्रेस है थोड़ा लेट हो रहा है। दोस्तों, हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे द्वारा अपलोडेड इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक आईएफएससी ब्रांच जो भी है सब नज़र आ रहा है। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे
सबसे लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर सबमिट कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए दोस्तों, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो आप तक पहुँचेंगी सबसे पहले। और दोस्तों हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो एक भी आप मिस नहीं करेंगे, और एक लाइक तो आपको इतनी देर से दोस्तों मैं मेहनत कर रहा हूँ आप ही के लिए, तो एक छोटा सा लाइक कीजिए, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे द्वारा अपलोडेड जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा, और आपको भी और आपके दोस्तों को भी ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। दोस्तों अगर इसके आगे का कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और अगर हो सकेगा आगे इससे बेहतर कुछ और सीएससी द्वारा आएगा तो हम आपके लिए बना करके वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा हमने आपसे पहले ही बताया था हमारा जो नेट है अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से ये प्रोग्रेस जो भी हो रहा है ये प्रोग्रेस थोड़ा सा लेट चल रहा है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जूम करने की कोशिश की है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी कोशिशें मैंने की हैं सबमिट होने के लिए। जी हाँ, नीचे जो सबमिट बटन है उसे मैंने क्लिक कर दिया था, लेकिन फिर भी सबमिट नहीं हुआ, इस वजह से मैं इसे दोबारा से सबमिट कर रहा हूँ। जी हाँ, दोबारा इस बार देखते हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। जी हाँ, ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर हमारे द्वारा वीडियो ये अपलोडेड अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।